गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज योर चैप्टर 12, द फ्लोटिंग मार्केट, तैरती हुई मार्केट। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए फ्लोटिंग मार्केट इन थाईलैंड। ये थाईलैंड में एक तैरती हुई मार्केट की कहानी है। दिस मार्केट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आर मार्केट्स। ये मार्केट अलग है जिस तरह से हमारी मार्केट्स होती हैं। ऑल थिंग्स आर सोल्ड ऑन बोट्स इन दिस फ्लोटिंग मार्केट। इस तैरती हुई मार्केट में सब चीज़ों को बोट्स में ही बेचना होता है। इफ़ पीपल हैव टू बाय वेरियस थिंग्स, अगर लोग कुछ अलग अलग तरह की चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, दे गो फ्रॉम वन सेलर टू अनदर इन देयर बोट्स। वो एक सेलर से दूसरे सेलर के पास अपनी बोट्स में जाते हैं। लमाई इज़ अ यंग गर्ल हु लिव्स इन थाईलैंड। लमाई एक छोटी बच्ची है जो थाईलैंड में रहती है। दिस आर्टिकल डिस्क्राइब हर डेली ट्रिप्स टू ए फ्लोटिंग मार्केट। ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये जो लेसन लिखा गया है, लमाई की डेली ट्रिप्स फ्लोटिंग मार्केट में डेली के ट्रिप्स को डिस्क्राइब करता है। इन थाईलैंड लाइफ आउटसाइड द सिटीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द सिटीज। थाईलैंड में जो सिटीज के बाहर की लाइफ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है जो आम सिटीज में जो लाइफ होती है। पीपल लिव ऑन फार्म्स एंड ग्रोन देयर ओन वेजिटेबल्स और बाय देम फ्रेश एवरी डे फ्रॉम द लोकल मार्केट। लोग अपने फार्म्स पर रहते हैं और अपनी खुद की वेजिटेबल्स उगाते हैं या लोकल मार्केट से डेली फ्रेश वेजिटेबल्स खरीद कर लाते हैं। द मार्केट हेयर इज नॉट इन ए बिल्डिंग। जो मार्केट होती है वो किसी बिल्डिंग पर नहीं होती। इट इज़ ए फ्लोटिंग मार्केट लोकेटेड ऑन ए रिवर। ये एक तारती हुई मार्केट होती है जो एक नदी पर लोकेट होती है। पीपल ट्रैवल इन देयर बोट्स ऑन द रिवर बाइंग एंड सेलिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग। लोग अपनी रिवर पर अपनी बोट्स में ही ट्रैवल करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं। लमाई एंड हर फैमिली लिव ऑन ए फार्म। लमाई और उसकी फैमिली एक फार्म पर रहते हैं। दे ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सेल देम एट द मार्केट ईच डे। वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं और हर दिन उनको मार्केट में बेचते हैं। द फैमिलीज डे स्टार्ट्स एट 3 AM। फैमिली का दिन 3 बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह। लॉन्ग बिफोर द सन कम्स अप लमाई एंड हर ब्रदर हेल्प देयर पेरेंट्स। सूरज के आने से पहले, सूरज के उगने से पहले लमाई और उसका भाई अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। दे पिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्लीन देम। वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उठाते हैं और उन्हें साफ करते हैं। देन दे लोड एवरीथिंग इनटू ए लॉन्ग बोट कॉल्ड ए रोइला पेस। और वो इन सब सामान को एक बड़ी बोट में लोड करते हैं जिसे रोइला पेस कहा जाता है। देयर बोट इज रेडी बाय अबाउट 6 AM और उनकी बोट जो है वो 6 बजे तैयार हो जाती है। लमाई फादर एंड ब्रदर स्टे ऑन द फार्म टू वर्क। लमाई के फादर और ब्रदर फार्म पर रुकते हैं काम करने के लिए। वाई लमाई एंड हर मदर रो टू द क्लोजेस्ट फ्लोटिंग मार्केट। और जबकि लमाई और उसकी मदर अपनी जो बोट होती है उनको तैर कर फ्लोटिंग मार्केट के पास ले जाती हैं। ऑन द वे द वाटर इज स्टिल एंड पीसफुल। रास्ते में जो पानी होता है स्टिल मीन्स रुका हुआ होता है और शांतपूर्वक होता है। लमाई सीज द ब्राइट सन बिगनिंग टू शाइन सो दे हैव नो टाइम टू लॉस। अब लमाई जो है सूरज की तरफ देखती है जो बिल्कुल चमकने को तैयार होता है, इसीलिए उनके पास फालतू का टाइम नहीं होता बिकॉज उन्हें अपना काम जल्दी से ख़त्म करना होता है। सून लमाई हियर्स लाफिंग एंड येलिंग इन द डिस्टेंस। जल्दी ही लमाई हंसने की आवाज़ सुनती है और कुछ ही डिस्टेंस पर चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। देन द साउंड्स ग्रो लाउडर। अब जो आवाज़ है वो तेज़ होने शुरू हो जाती है। हर मदर रोज द बोट अराउंड ए कॉर्नर। उसकी जो मदर होती है वो तैरती हुई बोट को एक कॉर्नर पर ले जाती है। सडनली दे आर एट द फ्लोटिंग मार्केट। अचानक वो एक तैरती हुई मार्केट में पहुंच जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बोट्स आर गैदर्ड एट ए वाइड प्लेस इन द रिवर। 100 के करीब बोट्स जो हैं वो रिवर पर एक वाइड प्लेस पर इकट्ठी हुई होती हैं। मर्चेंट्स कॉल आउट व्हाट दे हैव टू सेल। जो व्यापारी होते हैं वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं उन चीज़ों को जिन्हें वे बेचना चाहते हैं। पीपल गो फ्रॉम वन सेलर टू अनदर इन देयर बोट्स। लोग एक सेलर से दूसरे सेलर के पास अपनी बोट्स पर जाते हैं। दे बाय फ्रूट्स एंड वन बोट एंड फ्रेश ब्रेड एट अनदर। वो एक बोट से फ्रूट्स खरीदते हैं और दूसरी बोट से फ्रेश ब्रेड खरीदते हैं। लमाई'स मदर विल सेल बनानास राइप टोमेटोज एंड अदर वेजिटेबल्स टुडे। जो लमाई की मदर है वो आज बनानास, पके हुए टोमेटोज और दूसरी वेजिटेबल्स बेचेगी। शी होप्स हर मदर विल बाय हर सम स्टार फ्रूट लेटर। और उससे लमाई को ये भी होप होती है कि आज उसकी मदर उसके लिए स्टार फ्रूट खरीदेगी। स्टार फ्रूट इज़ ए टाइप ऑफ फ्रूट जो खाने में खट्टा होता है। दे आर लमाई'स फेवरेट। वो लमाई के फेवरेट हैं। फॉर लमाई अ ट्रिप टू द मार्केट आल्सो मीन्स अ चांस टू मीट हर फ्रेंड्स। लमाई के लिए मार्केट में जाने का मतलब होता है अपनी फ्रेंड से मिलने का चांस मिल जाना। टुडे लमाई सीज हर फ्रेंड सुकी।
आज लमाई ने अपनी फ्रेंड सुकी को देखा. दे चैटर वाइल लमाईज मदर इज बिजी इन सेलिंग हर स्टॉक. उन्होंने आपस में बातें की जबकि लमाई की मदर जो है अपने स्टॉक को बेचने में बिजी थी. फाइनली लमाईज मदर इज रेडी टू लीव. अब अंत में लमाई के मदर के जाने का टाइम हो गया. लमाई वेव्स गुड बाय टू हर फ्रेंड. लमाई ने अपनी फ्रेंड को गुड बाय कहा. शी एंड हर मदर मूव अवे टू अनदर स्पॉट टू सेल द रेस्ट ऑफ देयर स्टॉक. वो और उसकी मदर अब किसी दूसरी जगह पर गईं अपने बचे हुए सामान को बेचने के लिए. ऑन द वॉकवे बिसाइड द रिवर लमाई सीज टूरिस्ट बाइंग सोवेनर्स कलरफुल पर्सेस टी शर्ट्स पेंसिल्स एंड स्टैचूज. अब रास्ते में जाते हुए रिवर के पास लमाई ने देखा कि कुछ जो टूरिस्ट थे वो बहुत शानदार पर्सेस टी शर्ट्स पेंसिल और स्टैचूज को खरीद रहे थे. अराउंड 11 AM 11 बजे के आसपास पीपल बिगिन टू गो होम. लोगों ने अपने घर जाना शुरू किया. लमाई इज ग्लैड. लमाई खुश है. शी इज गेटिंग अ लिटल स्लीपी फ्रॉम वेकिंग अप सो अर्ली. अब लमाई जो छोटी बच्ची है वो सुबह जल्दी उठी है और थोड़ा सा वो स्लीपी फील सोने की इच्छा रख रही है. तो वो अपनी सोने की इच्छा और जल्दी उठने के बीच में एडजस्टमेंट बना रही है, तालमेल बिठा रही है. हर मदर है सोल्ड मोस्ट ऑफ हर स्टॉक. उसकी मदर ने अपना लगभग सारा सामान बेच दिया है. दे विल लीव द मार्केट विद लेस फूड इन देयर बोट बट विद मोर मनी फॉर देयर फैमिली. अब उनका लगभग सारा सामान बिक चुका है. अब वो मार्केट को छोड़ेंगी थोड़े से फूड के साथ अपनी बोट में, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसों के साथ. उनके पास पैसे जो है वो मतलब इकट्ठे हो गए थे सामान बेचने के बाद. लमाईज मदर मेक्स वन लास्ट स्टॉप सो दैट लमाई कैन बाय हर फेवरेट स्टार फूड. अब लमाई की मदर ने एक लास्ट स्टॉप पर वो मतलब रुकी ताकि लमाई अपने लिए अपना फेवरेट स्टार फूड खरीद सके. देन दे रो होम. फिर वो अपने घर की ओर चल पड़े. दे कैन रेस्ट अंटिल टुमोरो. अब वो कल तक मीन्स अगले दिन तक रेस्ट कर सकते हैं. वेन द वर्क विल बिगिन अगेन. जब तक उनका नेक्स्ट डे के लिए वर्क फिर से शुरू नहीं हो जाता. थैंक यू.